भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी के बाहर जमकर आंदोलन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दीपावली के शुभ मौके पर देशवासियों को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके दीपावली का एक बड़ा उपहार दिया। इसके बाद भाजपा शासित कई राज्यों ने भी अपने अपने हिस्से के वैट घटाकर अपने अपने राज्यों में जनता को पेट्रोल के दाम करके एक बड़ी राहत दी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आज तक इस विषय पर न तो कोई चर्चा की और न ही अपने राज्य के नागरिकों को किसी तरह की कोई राहत प्रदान की। ऐसा कहना भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का है, जिसके बाद राज्य सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आंदोलन किया गया। मुंबईकर की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के मकसद से भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर कूच किया, जिसे पुलिस ने उन्हें अपने बल से रोकने का प्रयास भी किया। इस मोर्चे में शामिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई महामंत्री प्रवीण भानुशाली, मिलिंद वाडेकर, कमलेश डोके, संतोष पालेकर, जिला अध्यक्ष अमर शाह, सनी सारप समेत 6 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा वैट की दर घटाने से संबंधित एक निवेदन पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। आज तक महाराष्ट्र शासन और ये जो सरकार है वो बोलती आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑयल के भाव बढ़ा दिए है, उसके वजह से सब महंगाई पूरी तरह से बढ़ रही है, पर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका जो टैक्स है वो कट करने के बावजूद भी आज महाराष्ट्र शासन कहीं पर भी इसके ऊपर उदासीनता नहीं बता रही है, और कहीं पर भी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, सब कुछ चीज़ें आज इतना प्रॉब्लम जो आ रहा है उसके वजह से लोगों को इतना महंगाई से, और आज त्यौहार के दिन में भी लोगों को इतने बुरे तरीके से आज बुरे दिन को फेस करना पड़ रहा है तेल के भाव की वजह से। महाराष्ट्र शासन उसके ऊपर किधर भी सीरियस दिख नहीं रहा है, खाली दिखावे के लिए एक करो और बोलने के लिए एक, यही उनका सब खेल चल रहा है। खाली लोगों को कैसे तकलीफ में डाले और खाली सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी रीज़न लेके खाली कैसे उनके ऊपर आरोप करे, यही सब खाली महाराष्ट्र शासन का काम चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है इसमें राज्य सरकार को क्या बेनिफिट है कि जिसकी वजह से वो यहाँ के पेट्रोल के भाव केंद्र से कम कर देगा लेकिन यहाँ कम नहीं हो रहा है? 100% आप जो देख रहे हो बेनिफिट, मतलब महाराष्ट्र शासन का जो टैक्स है वो टैक्स उनके उनको मिलने के बाद आज आप देख रहे हो।